गुड मॉर्निंग क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डू सोशल स्टडीज चैप्टर सिक्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड मेकिंग दैम इन टू फिनिश गुड्स इन फैक्ट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दम डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री द काइंड ऑफ मशीन यूज इन इट एंड द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इट इंडस्ट्रीज कैन बी ग्रोप्ड इंटू थ्री कैटेगरीज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक जगह से रॉ मटेरियल लेती हैं फिर वो अपने वहाँ ले जाके फिनिश गुड्स में उसको कंप्लीट करके बाज़ार में बेच देती हैं इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने साइज़ पे डिपेंड होती हैं अपनी अपनी मशीन्स के टाइप पे डिपेंड होती हैं वो किस तरह का काम करती हैं उसमें कितने लोग काम करते हैं उस हिसाब से इंडस्ट्रीज़ जो है वो थ्री थ्री कैटेगरीज में डिफाइड करी गई हैं कॉटन इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री ये हमारी तीन तरह की इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज हैं फर्स्ट कॉटेज इंडस्ट्री सम पीपल मेक थिंग्स इन देअर हाउसेज फॉर विच वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स आर नीडेड मोस्टली फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर एंड मेक दीज थिंग्स सच इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज मेकिंग शूज वीविंग क्लॉथ शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स मेकिंग कैंडल्स बास्केट मेकिंग जैम एंड पिकल मेकिंग एंड पॉडरी आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे बहुत कम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कुछ लोग अपने घर में घर में ही ये काम करते हैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को मिला के या कुछ लोग अपने फैमिली में ही वो घर में काम करते हैं लेकिन कुछ लोगों को बुला के करते हैं ये सब जो होती हैं हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि घर में शूज़ बनाना क्लॉथ बनाना शॉल्स बनाना ब्लैंकेट्स बनाना कैंडल्स बनाना बास्केट बनाना ये सब हमारी कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर एट होम समेम नीड मोर पीपल मनी एंड मशीन्स देन कॉटेज इंडस्ट्री दीज आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स यूटेंसिल्स गारमेंट्स बाइसिकल ऑटोमोबाइल पार्ट सोप्स एंड शैम्पूज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जैसे कि हम हर चीज़ तो घर में नहीं बना सकते तो हमें कुछ नई जगह जगह की ज़रूरत होती है पैसों की ज़रूरत होती है मशीन की ज़रूरत होती है कुछ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है तो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम क्या बनाते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाते हैं प्लास्टिक की चीज़ें बनाते हैं बर्तन बनाते हैं कपड़े बनाते हैं साइकिल्स बनाते हैं ये सब हम घर में नहीं बना सकते तो इसके लिए हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना रखी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री when a large number of people heavy machines and a huge amount of money are needed to produce goods it is called large scale industry manufacturing car engine aeroplane railway coaches heavy electrical goods and engineering goods are a few examples of large scale industry iron and steel mills textile mills cement mills chemical factories rail factories and all refineries are also large scale industries such industries employ thousands of workers ह्यूज मशीन्स आर यूज इन सच फैक्ट्रीज फॉर प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड अ कंटिन्यूस एंड ह्यूज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत होती है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए तो हम उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं जैसे कि कार बनाना इंजेंस बनाना या ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं ऑयल फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री ये सब जो भी होती हैं सब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पर कंटिन्यू काम चलता रहता है और यूज सप्लाई होती है गुड्स की रॉ मटेरियल्स की इन सब की कंटिन्यू सप्लाई होती रहती है इंडस्ट्रीज़ एंड एनवायरनमेंट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ कंट्री द गुड्स प्रोड्यूसड इन द इंडस्ट्रीज आर सोल्ड इन साइड एंड आउटसाइड द कंट्री इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड वर्क टू मैनी पीपल जो अब अगर हमें अपनी कंट्री बढ़ा कंट्री को डेवलप करना है तो हमें अपनी इंडस्ट्री को भी डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि कंट्री डेवलप करने में इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज गुड बनाती हैं वो हमारी कंट्री में भी सोल्ड आउट होते हैं और बाहर की कंट्रीज में भी सोल्ड आउट होते हैं जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं वाइल इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट समटाइम्स दे बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न स्मोक फ्रॉम द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रीज इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन एट समाइम्स इंडस्ट्रियल वेस्ट केयरफुली केयरलेसली डम्ड इन टू रिवर्स विच कॉज इज पॉल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर सम इंडस्ट्रीज ट्रीज आर कट डाउन और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज लेकिन अब ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं तो वो भी हमारे सोचने की बात है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ में से स्मोक निकलता है वो एयर पॉल्यूशन करता है इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो उसका नदियों में चला जाता है तो वो हमारे लिए रिवर गंदी करता है और इंडस्ट्रीज़ को कई बार हमें रॉ मटेरियल जब प्रोवाइड करना होता है तो हम ट्रीज़ को भी काटते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वी मस्ट इंश्योर दैट पॉल्यूशन इज़ मिनिमाइज एंड दैट आर रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड वी शुड फॉलो द थ्री आर एस टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड द थ्री आर एस स्टैंड फॉर रिड्यूज रूज़ एंड रिसाइकल अब जैसे कि अगर हमें अप पॉल्यूशन कम करना है तो हमें रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोटेक्ट करनी पड़ेंगी हमें थ्री आर एस रूल पर चलना चाहिए जो थ्री आर एस रूल होता है उसका मतलब होता है रिड्यूज रूज और रिसाइकल फूड प्रोडक्ट्स पेपर पेंसिल बैग्स एंड क्लॉथ्स टूल्स स्कूटर्स कार्ट्रेन एंड एरोप्लेन एवरीथिंग इज मेड बाई प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इन फैक्ट्रीज मेकिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स फ्राम रॉ मटेरियल्स इन फैक्ट्रीज कॉटन इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री आर ए फ्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज और जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेपर पेंसिल बैग क्लॉथ्स यूटेंसिल्स ये सब भी हमारे फैक्ट्रीज में ही बनते हैं अगर हमें कोई भी चीज़ को रॉ मटीरियल्स उसको गुड्स में कन्वर्ट करना होता है तो वो जो जगह होती है जहाँ पे हम उसको करते तो वो हमारी इंडस्ट्री कहलाती है जैसे हमारी कॉटन इंडस्ट्री और टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो भी एक एग्जाम्पल्स हैं इंडस्ट्रीज के ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री डिफरेंट का डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच शर्चेस शुगर आयरन साइकिल टेक्सटाइल एंड स्पोर्ट्स गुड्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स दीज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स टू मेक प्रोडक्ट्स मशीन्स एंड ह्यूमन लेबर कन्वर्ट दीज रॉ मटेरियल्स इं टू फिनिश गुड्स वेरियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज लेट अस लर्न अबाउट दीज फैक्टर्स हमारी अलग अलग तरह की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिट अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको ग्रो ग्रो करने में उनकी हेल्प जो करती हैं वो भी उन इंडस्ट्रीज के ऊपर ही डिपेंड होता है जैसे कि अगर हम किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसके लिए मशीन चाहिए ह्यूमन लेबर चाहिए को जो फैक्टर्स होते हैं एक इंडस्ट्री चलाने में वो भी इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं चलिए हम देखते हैं कि वो फैक्टर्स होते क्या हैं आखिर रॉ मटेरियल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी इंडस्ट्री Without raw material, industries cannot produce anything. For example, cotton cloths are made from cotton fiber. All the industries run on power provided by various means such as diesel, petrol, coal, oil, and electricity. Various machines are needed to convert raw materials into finished goods. In industry, human resources is one of the most important aspects of any industry. The machines in our industries are run by skilled workers. Money is the basic requirement for purchasing land, machinery, and paying salaries to the employees. जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडस्ट्री के बिना कोई रॉ मटेरियल की कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती जैसे हम कॉटन क्लॉथ्स बनाने के लिए हमें कॉटन फाइबर की ज़रूरत होती है वैसे ही हर चीज़ बनाने के लिए हमें किसी न किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है अगर अब हमें किसी फैक्ट्री को चलाना है तो हमें पावर भी चाहिए होती है बिना पावर के नहीं चलती जैसे डीजल पेट्रोल कोल ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी ये सब हमारी पावर्स होती हैं अब हमें काम करने के लिए मशीन्स भी चाहिए जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकें और जो मशीन को चलाएँ उनके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए जो लोग होंगे वही तो मशीन को चलाएँगे हमें अब जो मशीन को चलाते हैं वो हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं अब इन सब चीज़ों को चलाने के लिए हमें मनी की ज़रूरत भी होती है क्योंकि हमें लैंड लेना है मशीनरी लेनी है सैलरीज पे करनी है को रॉ मटेरियल्स लेना है ये सब हमारा मनी से होता है ये सब हमारे फैक्टर्स होते हैं एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए